हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फिलिंग द ब्लैंक, या जो फिल करना होगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है ये पहले हम देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होते हैं जो पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। जब कोई क्रिया पास्ट में चल रही थी वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी पहचान होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वॉज एंड वर। इसका मतलब था एंड इसका मतलब होता है थे। ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। और प्लस इसके साथ वर्ब लगेंगे, प्लस आई एन जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लस आई एन जी लगा देंगे। आई एन जी लगा के हमारा क्या है, सेंटेंस बन जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो इसमें जो हमारा होता है पीपल। सो फ्रेंड, जैसे यहाँ पे पीपल है, पीपल जो होता है हमारा प्लूरल होता है। पीपल वर्ब जो है ये हमारा प्लूरल है। तो ये गोइंग, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। टू स्कूल, यहाँ पे हमें फिल करना है। सो जो आर है, आर हमारा किस में आता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। तो इसलिए ये तो वो हो गया। ये जो है हमारा वॉच, वॉच का मतलब होता है था। और ये सिंगुलर के साथ आता है। किसके साथ आता है? सिंगुलर। ये सिंगुलर के साथ आता है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, सिंगुलर के साथ आता है। और वर जो है ये प्लूरल के साथ, ये इसका मतलब होता है थे। एंड ये आता है हमारा प्लूरल के साथ। किसके साथ आता है? प्लूरल। तो यहाँ पे पीपल जो है हमारा, पीपल क्या है? प्लूरल है। तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या फिल करना पड़ेगा? ये प्लूरल ही, प्लूरल ही हमें फिल करना पड़ेगा। तो प्लूरल में हमारा क्या आता है? वर आता है। तो इसलिए वहाँ यहाँ पे क्या आएगा? वर। द पीपल वर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट आता है हमारा सेंटेंस दूसरा है, ही डैश वॉचिंग अ मूवी। वॉच का मतलब होता है देखना। वर्ब जो है, वर्ब के साथ हमने क्या लगा दिया? प्लस आई एन जी लगा दिया। क्या लगा दिया? आई एन जी। तो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ही जो है हमारा सिंगुलर है। ही क्या है? सिंगुलर है। ही सिंगुलर है। ही हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। तो यहाँ पे ये वॉच जो है, वॉच का मतलब होता है था। और ये लगता है हमारा सिंगुलर के साथ। किसके साथ है? सिंगुलर के साथ लगता है। वर का मतलब होता है थे। और ये लगते हैं हमारे प्लूरल के साथ। किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ। तो ही जो है हमारा सिंगुलर है। और इसके साथ हमें फिल क्या करना है? एक सिंगुलर ही फिल करना पड़ेगा। तो वर तो हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि वर जो है हमारा प्लूरल है, वाज जो है सिंगुलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, क्या फिल करेंगे? वाज। वाज का मतलब होता है था। नेक्स्ट आता है हमारा दे डैश गोइंग टू मार्केट। गोइंग, जो गो का मतलब होता है जाना। वर्ब हमने की फर्स्ट फॉर्म लगा दी और प्लस आई एन जी लगा दिया, इसलिए हमारा वर्ब का ये फोर्थ फॉर्म बन गया। और यहाँ पे मार्केट, मार्केट का मतलब समझ ही रहेंगे, बाजार होता है। गोइंग का मतलब होता है जाना। गोइंग का मतलब होता है जाना। जब हम आई एन जी लगा दिया तो ये इसका मतलब होगा जा रहा था। इसका मतलब हो गया जा रहा था। तो दे, दे जो हो, दे का मतलब होता है वे। और दे जो वर्ड है ये हमारा प्लूरल हो जाता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। दे जो है ये प्लूरल के सब्जेक्ट प्लूरल आता है। तो यहाँ पे हमारा वॉज जो है था होता है। और इसका मतलब होता है ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। एंड वर का मतलब होता है थे। और ये हमारा क्या है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है, मैं सब्जेक्ट देखना, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो इसलिए हम प्लूरल का ही यहाँ पे फिल करेंगे। वाच तो हमारा सिंगुलर है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यहाँ पे वर जो है हमारा ये प्लूरल है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे। वर हमारा क्या है? प्लूरल है। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। आई होप वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।